हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीके का पाइप भेवल कितने टाइप का होता है। पाइप फिटर या फैब्रिकेटर से इंटरव्यू में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि पाइप का भेवल कितने टाइप का होता है। तो आपको बताना है कि पाइप का भेवल दो टाइप का होता है। एक होता है वी टाइप पाइप भेवल और एक होता है जे टाइप यानी कि जे ग्रुप पाइप भेवल। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये वी टाइप का भेवल कहते हैं। अगर दो पाइप इस तरीका से, अगर इस तरफ से एक और पाइप आकर के भी वाला जुड़ेगा तो यहाँ पर भी का आकार बनेगा, तो इसे हम कहेंगे वी टाइप बेवल। मैं आपको और भी डिजाइन दिखा रहा हूँ किस तरीका का होता है जे टाइप यानी कि जे ग्रुप बेवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो मैं डिजाइन बनाया हूँ यह पाइप का सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक थिकनेस है। पाइप का जो मोटाई होता है थिकनेस सिर्फ उसी का डिजाइन है। अगर इस तरीका का जैसे कि कोई बेवल होता है जो भी के आकार में रहता है वो नॉर्मल थिकनेस पाइप में रहता है, यानी कि 10 mm 12 mm 15 16 20 mm तक का जो पाइप होता है उसमें इस तरीका का भी टाइप का बेवल होता है, जिसमें 37.5 डिग्री में दोनों साइड से रहेगा तो ये भी का आकार का ये बेवल तैयार हो जाएगा। अगर जे ग्रुप टाइप का अगर बेवल किसी ड्राइंग में दिया गया है कि इस तरीका से बनाना है तो वो किस डिजाइन में रहेगा वो भी आपको पेपर पे अगर क्लाइंट कह रहा है कि इसका डिजाइन हमको बनाकर दिखाए किस तरीका का रहता है तो आपको दिखाना है इस तरीका का। यहाँ पर देखिए इस तरीका से 40-50 एम का जो थिकनेस वाला जो पाइप रहता है ये पाइप का थिकनेस है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 एम थिकनेस का जो है पाइप है जिसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यानी कि 40 एम तक 10 डिग्री में रहेगा बेवल, और उसके बाद 10 एम जो है 37.5 डिग्री में रहेगा। तो ये जे ग्रुप बेवल है, इस तरीका से रहेगा। यहाँ पर गैप रहेगा 4 mm 5 mm रूट वेल्डिंग करने के लिए, और इस टाइप का जे ग्रुप बेवल रहेगा। अगर ज़्यादा थिकनेस पाइप है तो उसी में इस डिजाइन का रहता है, ये चीज़ आपको बताना जरूरी है। अगर कम थिकनेस का पाइप है तो उसमें इस तरीका का बेवल नहीं रहता है। और यहाँ पर एक और डिजाइन देखिए, यहाँ पर दिया गया है इस तरीका का भी जे ग्रुप टाइप का बेवल रहता है। यहाँ से राउंडिंग रहेगा बिल्कुल, जिसमें आप पहले वाले डिजाइन में आप देखें यहाँ पर कि बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये वाले डिजाइन में आप देखिए यहाँ पर राउंडिंग ऐसे दिया गया है, तो इस टाइप का भी आता है। तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर सिर्फ 10 mm रहेगा, वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ऐसे यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनेगा, बिल्कुल राउंडिंग आपको बनाना है। और ये जो रहेगा यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक का ये 30 डिग्री में रहेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। इस डिजाइन में भी रहता है जे ग्रुप टाइप का बेवल। यहाँ पर देखिए इस तरीका से ये जे टाइप का बन रहा है, देख सकते हैं ये जो है जे टाइप का यहाँ पर ये बन रहा है, इसीलिए इसको जे टाइप ग्रुप बेवल कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक और डिजाइन है, नीचे में सिर्फ 4 mm जो है क्रॉस में इस तरीका से रहेगा। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री में इसका रहेगा, ये ऊपर वाला जो है थिकनेस वाला, ये पाइप का जो है थिकनेस है सिर्फ, जो उसका थिकनेस जो है मोटाई जो है पाइप का वही है सिर्फ, और इसमें पाइप के थिकनेस में ये जो है वेवल मारा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस डिजाइन में भी रहता है जे ग्रुप टाइप वेवल। और एक मैं आपको डिजाइन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इस टाइप का भी जे ग्रुप टाइप वेवल रहता है, जिसमें सिर्फ 15 mm जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, और यहाँ से 35 mm मान लीजिए कि यह जो एग्जांपल मान लीजिए कि ये पाइप का जो थिकनेस है 50 mm दिया गया है, जिसमें 15 mm जो रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और उसके बाद 35 mm जो रहेगा वो 37.5 डिग्री में रहेगा, इस तरीका से डिग्री में जा करके और 15 mm सीधा चला जाएगा। तो इस टाइप का भी जे ग्रुप टाइप का बेवल रहता है। तो इस डिजाइन में भी आपको बना करके भी दिखाना हो सकता है, इस तरीका का भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरीका से भी रहता है। और मैं आपको एक डिजाइन दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और यह डिजाइन है कि अगर 50 mm का पाइप है, 50 mm थिकनेस का पाइप है उसका जो, तो इसमें जो देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सेंटर से बिल्कुल आधा जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, और सेंटर से आधा जो है डिग्री में रहेगा, इसे 37.5 डिग्री में रहेगा ऐसे, और उसके ऊपर जा करके बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो इस तरीका का भी जे टाइप ग्रुप का बेवल रहता है। तो इस तरीका से आपको यह जितना भी डिजाइन मैं आपको बताया आप अपने नोटबुक में डिजाइन बना लीजिए और उसमें mm थिकनेस वगैरह लिख लीजिए। और अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि यह जो है जे ग्रुप बेवल क्यों बनाया जाता है, यह किस लिए होता है, तो आपको वहां पर बताना है कि यहां पर इसलिए बनाया जाता है जे ग्रुप टाइप का बेवल कि यहां पर रूट वेल्डिंग करने के लिए सिर्फ इतना दूर यहां पर डिग्री में दिया जाता है, और यहां से लेकर के और यहां तक सिर्फ वेल्डिंग को फिलअप करने के लिए दिया जाता है कि इसको एक से दूसरे से ज्वाइंट कर दिया जाए। और अगर हम इसको डिग्री में करेंगे पूरा 37.5 डिग्री में, तो इसका जो है फाइनल जो वेल्डिंग है काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, तो उसको पतला करने के लिए स्मॉल करने के लिए यह जो है इस तरीके का डिजाइन में बनता है जे टाइप ग्रुप बेवल, ताकि ऊपर का जो फाइनल वेल्डिंग है थोड़ा पतला में रहे और नीचे का हमारा जो रूट का वेल्डिंग है वो आसानी से हो जाए यह जो है भी के हिसाब से, क्योंकि जो
आर्गन वेल्डिंग का जो होल्डर होता है वह बिल्कुल सीधा में इधर अंदर जाएगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर डिग्री में थोड़ा सा दिया जाता है ताकि आसानी से रूट वेल्डिंग हो सके और हमारा फाइनल और फिलअप और फाइनल वेल्डिंग जो है कम से कम में हो जाए। इसी वजह से इस तरीका का जे टाइप ग्रुप का बेवल बनाया जाता है। तो फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।